हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो पहले तो थैंक यू सो मच, मैंने लास्ट वीडियो 2 हफ्ते बाद डाली फिर भी उसको इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और इंस्टाग्राम पे भी हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग 10,000 क्रॉस कर जाए। तो अगर किसी ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है और आपका स्क्रीन में भी दिख रहा होता है, तो आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी फैमिली में ऐड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था कि Q&A में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहीं से क्वेश्चन पुट आउट करूंगा, और बाकी जो मैं नए अपडेट्स देता रहता हूँ वो भी इंस्टाग्राम पे देता हूँ। तो अगर कोई चाहता है वहाँ पे जुड़ना हमारे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो वहाँ पर हमें आकर इजीली फॉलो कर सकता है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि क्रिकेट किट, उसे हम लोग सस्ती कैसे बाय करें, कैसे परचेस करें, कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए, क्रिकेट बाय मतलब क्रिकेट पूरी किट बाय करते टाइम, तो उस बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बाय करा था, मैंने कितने परचेस करा था, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा अब। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए गाइस, ये मेरी दूसरी किट है। इससे पहले मैं अपनी पहली वाली किट का रिव्यू दे चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वहाँ पे वो भी जाके देख ले। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि हमें क्या करना चाहिए गर्मी के टाइम पर, कैसे किट कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे मेरी इस किट के बारे में। इस बैट का रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और इस बैट का भी, ठीक है। बाकी हम लोग जो क्रिकेट किट के अंदर है उसका रिव्यू दूंगा मैं, आप आइए। तो चलिए गाइस, पहले मैं अपने पैड्स की बात कर लेता हूँ। इस पैड से मैं पहले ही बता चुका हूँ इस पैड्स के बारे में बहुत कुछ, और हाँ, इस पैड का जो प्राइस है वो मुझे 800 का पड़ा था, ये दोनों मिला के 800 का पड़ा था, और जो सब जो वेट है वो भी 800 ग्राम तक ही है या उसके अंडर ही है, ठीक है। तो पैड लेने में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है ना कि वहाँ जाएँ हम जब, तो उससे पहले देखिए उसका लाइट वेट कितना है। अगर लाइट वेट नहीं होगा ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप भाग ही नहीं पाओगे। और ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना वहाँ पर जब पैड्स ले रहे हो कि वो आपके थाइस तक ना आए ज़्यादा, ठीक है। दिक्कत क्या आती है जब आप लोग पैड्स पहनते हो यहाँ पर, जहाँ से ऐसे पहनोगे तो यहाँ से ना इतना बहुत हो के यहाँ तक आता है था इसके, तो उसमें मतलब दिक्कत क्यों आती है? जब आप लोग शॉट खेलोगे, ठीक है, तो आपका जो पैड है और बैट टकरा जाएगा आपस में, तो आपके शॉट्स नहीं निकलेंगे और आप भाग नहीं पाओगे पिच में। तो इसलिए जब भी आप पैड्स लेने जाओ तो ध्यान रखना कि आपके पूरा सेफ्टी मिले वहाँ पर, और सस्ता मिले और लाइट वेटेड मिले। तो गाइस, अब बात करते हैं थाई पैड्स की। ये डबल थाई पैड्स है, ठीक है, डबल थाई मतलब ये दोनों मिक्स होते हैं इसमें। तो गाइस, ये पड़ा था मुझे 750 का उस टाइम, और इसका जो है पूरा SG ब्लीव बिकम अल्टीमेट, तो इसका प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका भी मैं ऑलरेडी रिव्यू दे चुका हूँ। तो गाइस, अब बात करते हैं बैटिंग ग्लव्स, ठीक है, बैटिंग ग्लव्स की बात करते हैं। ये जो है मेरा, ये है SG BS 319 स्पार्क, ये है मुझे उस टाइम पड़ा था 300 का, बट ये बहुत पुराना हो चुका है और अब मैं ऐसे लेके खेलता भी नहीं हूँ, बस नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है तो उसके साथ ये खेलता हूँ। बाकी मेरे पास एक और SG का है, वो मैं उससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें रिव्यू मैं दे चुका हूँ, ठीक है, जब मैंने क्रिकेट किट की बनाई थी। और ये है AP स्पोर्ट्स कंपनी का, ये है 1200 रुपये का। इसमें ये मैं नॉर्मल मैचेस में यूज़ करता हूँ इसको, इसे क्योंकि अच्छे खासे प्रोटेक्शन मिले गए हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ है इसमें, तो इसलिए ये 1200 रुपये का पड़ा है। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें, ठीक है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हेलमेट की, क्योंकि देखिए गाइस, हेलमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग सस्ता हेलमेट ले लेते हैं बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी का, तो वो बॉल जो होती है हमारी इतनी हार्ड होती है लेदर की, कि अगर वो आपके हेलमेट में लगी तो वो तोड़ देगी हेलमेट को भी, क्योंकि आपने बहुत देखा है मेन मैचेस में भी वो हेलमेट तोड़ देती है उनके, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो प्लेयर्स होते हैं उनके भी, तो सोच सकते हो ना बॉल कितनी हार्ड होगी। तो इसलिए जब भी आप देख रहे जाओ हेलमेट, तो ध्यान से चूज़ करिए, ठीक है, चाहे थोड़ा महंगा हो बट ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि 200 रुपये के चक्कर में आप अपना सर तोड़वा बैठे। तो ये योनकर कंपनी का बैट है, सॉरी योनकर कंपनी का हेलमेट है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको फीचर्स क्या हैं इसमें, ये देखिए फुल प्रोटेक्शन के साथ साइड में भी आपको मिलेगा, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर का जो है आपका पूरा कवर एरिया, ठीक है, कि आपको कहीं से भी ना लगे, और सामने इसके जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप हमेशा ऐसा ही हेलमेट बाय करें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और आप पूरा सेफली रह पाए। तो गाइस, ये है स्पीड आर्म, ठीक है। स्पीड आर्म किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर? जब बैट्समैन ज़्यादा तेज़ खेलना चाहता है बॉल को, तो ये इसलिए यूज़ होती है। यहाँ पे बॉल लगाया जाता है, उसे प्रॉपर एक इस पोजीशन में फेंका जाता है। तो ये जो इसका प्राइस है 250 का है, ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है, बट ऑफलाइन आप कहीं पर भी जाके मतलब देखेंगे जाकर तो आपको सस्ता मिल जाएगा ईजिली। तो ये ज़्यादातर बैट्समैन के काम ज़्यादा आता है ये वाला, तो प्रैक्टिस के लिए इसे ले लीजिए क्योंकि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम जब भी खेलते हैं फील्डिंग करते टाइम या फिर बैटिंग करते टाइम, ठीक है, या बॉलिंग करते टाइम, तो हमें बॉल लग जाती है, तो इसलिए स्प्रे ज़रूर रखिए अपने पास कि जब भी आपको चोट लग जाए तो स्टार्टिंग में स्प्रे मार लीजिए।
बॉल कभी कभी पाँव में लग जाती है, ठीक है, तो डैमेज हो जाता है, तो इसलिए गर्म पट्टी भी जरूर रखी अपने पास कि उसी टाइम ही लगा लें, जितनी जल्दी आप लोग मरम पट्टी करेंगे तो उतनी जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस मेरी किट में हमेशा बॉल भी रहती है, ठीक है, एक पुरानी बॉल, एक सिंथेटिक बॉल। सिंथेटिक बॉल से कभी भी यहाँ ध्यान रखिए कि नए बैट से ना ही खेले, ठीक है, सिंथेटिक बॉल से। और पुरानी बॉल इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ क्योंकि ना ये बैट को भी अच्छा करती है, नॉकिंग अच्छे से कर लेती है, और हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो भी अच्छे से हो जाती है कि बाई चांस में बॉल अवेलेबल ना मिले तो। तो गाइस अब बात करते हैं एलगार्ड। एलगार्ड का जो प्राइस मुझे पड़ा था 40 रुपीज़ का, ठीक है, और इसे बहुत लोग कहते हैं कि इसे पहनना कैसे है, ठीक है। आप जब सपोर्टर लेते हो तो स्टार्टिंग में अगर आप पहन के जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा पेट टाइट हो जाता है, वो ऐसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी जहाँ अकेडमी जाते हैं वहाँ पर ट्रायल रूम होता है, वहाँ पर जाकर चेंज भी कर सकते हो। तो देखिए गाइस अब बात कर लेते हैं क्रिकेट शूज़ की। तो मैं आज अपने शूज़ पहन के नहीं आया क्योंकि मैं आज जो नॉर्मल घर पे मैंने बेयर कर रखा था मैं वही पहन के आ गया था। तो शूज़ मैंने 1400 में लिए थे अपने, जो बैटिंग और फील्डिंग शूज़ दोनों मिला के 1400 का था। तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो प्रॉपर एक बना चुका हूँ, तो बहुत लोगों ने देख रखा है, और जिसने नहीं देखा होगा उसे मैं कार्ड पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके वो बैट का जो मेरा जो शूज़ का है वो आराम से देख लेगा। तो अब बात कर लेते क्रिकेट बैग की, क्रिकेट किट का पूरा बैग। तो लास्ट जो मैंने गार्गी का जो बैग ले रखा था उसका जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पूरा बता रखा है, इस बैग में और उस बैग में डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले ये बता दूँ। उस बैग में टायर लगे हुए थे और वो लॉन्ग साइज का था, ठीक है, ये है मतलब ये हमें टांगने के लिए बैग है, मतलब हम लोग इसे कैरी कर सकते हैं इजीली, बट उसमें ऐसा नहीं था, वो एक नॉर्मल एक शोल्डर के लिए था या फिर उसे खींच के ले जा सकते हैं इजीली। और इसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो आप। तो नॉर्मली आप पे मतलब आपका जो दो ग्लव्स पैड्स, ठीक है, और जो अदर जो बैट्स या फिर विकेट्स होते हैं वो सब आप इजीली इस बैग में रख सकते हो। और जो इसका जो मतलब जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा सामान इस पर कैरी कर लेता हूँ, जितना इसमें लिमिट भी नहीं थी उससे ज़्यादा लिमिट में कैरी कर लेता हूँ, बट अभी तक इस बैट में कोई नुकसान नहीं है। और जब भी मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो बोझ उठा लेता हूँ तो मेरा शोल्डर दर्द करने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे जब भी मैं कैरी करता हूँ तो नॉर्मल एक लाइट वेटर सा होता है, ठीक है, क्योंकि ये बना ही इस तरीके से। तो ये MRF कंपनी का है, इसे जो मैंने परचेज़ किया था ये 1200 रुपये का है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं बैट, क्योंकि बैट ही सबसे ज़्यादा मेन होता है हमारे हम जैसे लोगों के बैट्समैन के लिए, ठीक है। तो मेरे पास 4 बैट्स हैं, तो अभी 2 का रिव्यू मैं दूंगा यहाँ पर, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पर फिर भी दूंगा दोबारा से। इसका जो बैट का जो मेरा प्राइस है 1400 का है, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, ऑलरेडी मैं इसका पूरा एक प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि किसका कितना वेट है, कितने ग्रेन्स थे, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। बट हाँ, मैंने जब इसे खेला उसका एक बात का रिव्यू देता हूँ आपको मैं, जब मैं इसे खेला था इसका जो पूरा एक जो बैलेंस है इस बैट का वो बहुत ज़्यादा सही है, सीरियसली इस बैट का बैलेंस बहुत ज़्यादा सही है एज अ कश्मीरी विलो, और अकॉर्डिंगली कम प्राइस के हिसाब से ये बैट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि ना इसका जब शॉट है इजली आराम से इजली ऊपर भी जाता है, और जब शॉट लगता है तो काफ़ी अच्छे से दूर भी जा रहा है। तो इसका जो पंच उतना खास नहीं था पंच इसका, लेकिन जब इसका जो शॉट लग रहा है और मिडल होके बहुत दूर जा रही है बॉल, ठीक है, क्योंकि अभी इसे बैट को लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उतना नॉकिंग हुआ नहीं है। धीरे धीरे मैं इसको खेल रहा हूँ, मैचेस में यूज़ नहीं हो रहा, बट जो नॉर्मल मैं प्रैक्टिस करता हूँ पार्क में आकर या फिर नेट्स में तो उसमें ये यूजेस हो रहा है। तो होपफुली कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा बैट बन जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं मेरे एडिडास बैट की। ये बैट मेरा काफ़ी टाइम से मेरा साथ दे रहा है और आज तक इस बैट को कुछ नहीं हुआ, और होपफुली आगे जाके कुछ हो भी ना, क्योंकि गाइस इसका जो प्राइस है वो 4500 का था और ये गाइस अभी तक मेरा साथ दे रहा है, और ये सही में ये डिजर्व भी करता है 4500, क्योंकि इसका जो अभी तक जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा सही है। आज तक इस बैट में कोई दिक्कत नहीं आई, कभी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मतलब इसके अकॉर्डिंगली स्पार्टन बैट से ये थोड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि मतलब 100 ग्राम का ही फ़र्क है इन दोनों के बीच में, बट उसके स्ट्रोक में और इसके जो शॉट्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके जब शॉट्स लगते हैं ना तो सीरियसली बहुत ज़्यादा सही जाते हैं, इसका बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पार्टन से भी ज़्यादा अच्छा मुझे इसका बैलेंस लगता है, क्योंकि मैं इसके साथ हमेशा से खेल रहा हूँ और मेरे को आदत भी इसी की है। बट क्योंकि आदत क्यों पड़ी इसकी, क्योंकि ये अच्छा है, आपको आदत किस चीज़ की पड़ती है जो कि अच्छी होती है। इसका प्राइस भी आपको बता चुका हूँ, इसका वेट भी आपको बता चुका हूँ, इसका भी ऑलरेडी मैं रिव्यू दे चुका हूँ, मैं सारे जितना भी मैं रिव्यू दे चुका हूँ ऑलरेडी उसका मैं नीचे लिंक देता रहूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके इजीली वहाँ पे देख सकते हैं और बता देख भी सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, इसके शॉट्स कैसे निकल रहे हैं। तो गाइस आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है कि मेरे जो MRF के क्रिकेट किट में बैग में सारे जो सामान है वो अलग अलग कंपनी के हैं। अलग अलग कंपनी के क्यों हैं? अलग अलग कंपनी के इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग जब एक ही पूरा किट का सामान खरीदते हैं एक ही कंपनी का, तो वो क्या होता है ना कभी कभी हमें ज़्यादा हाई प्राइस पे पड़ जाता है। ऑनलाइन भी आप जब देखोगे तो उसके जो टैक्सेस वगैरह मिला के वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और उसके प्राइस भी कभी कभी ज़्यादा बढ़ के आता है। लेकिन जब अलग अलग कंपनी का लोगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है अलग अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते सस्ते निकालती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ना हम लोग अच्छे से पूरा किट बना सकते हैं। क्योंकि मैंने भी पहले किसी से सीखा ही था, जो मेरे कोचेस वगैरह उन्होंने भी सिखाया था कि थोड़ा अलग अलग कंपनी से लोगे ना सस्ता सस्ता बाय करोगे तो एक जब जुड़ेगा तो हमें इजी सस्ता पड़ेगा।
मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि मैं एक पूरा क्रिकेट किट का बाय करूंगा एक ही कंपनी का, बट मैंने अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से और जो अभी के हिसाब से जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबसे ज़्यादा जेन्युइन भी होता है, क्योंकि ना जब हम लोग खेलते हैं जो क्वालिटी में फ़र्क आता ही है, तो इसलिए जितना जो अच्छा हो सस्ता हो अलग अलग कंपनी से बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी से बाय करोगे तो आपकी अकेडमी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, या फिर अगर आप अलग अलग कंपनी के बाय करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको जाके अकेडमी में कोई बोलेगा भाई क्या यार सब अलग अलग कंपनी का उठा के लिया है, कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग कंपनी का बाय कर लो, क्योंकि अलग अलग कंपनी का बाय करने से आप ही को सस्ता माल मिलेगा और अच्छा माल मिलेगा। तो देखिए गाइस, मैंने आपको अपना पूरा क्रिकेट किट का रिव्यू दे दिया है, कितने प्राइस में मैंने इसे परचेज करा था और कैसे आपको परचेज करना चाहिए, कितने सस्ते में आपको परचेज करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है। और हाँ, क्रिकेट किट का जब भी आप लेने जा रहे हो तो सस्ता अगर सामान मिलता भी है तो उसे ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा क्वालिटी का सामान लेते हैं तो उसे हम लोग प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे, मैचेस में यूज़ करेंगे ना, तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए लो क्वालिटी का सामान भी ले लीजिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए ग्लव्स वगैरह, जो कि आप इजिली घर पर खेल पाओ तो, और आपका नुकसान भी ज़्यादा ना हो, वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी। तो इसलिए लो क्वालिटी का भी ले सकते हो आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मैचेस के लिए आप अच्छे क्वालिटी का ही यूज़ करें, ठीक है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, जब तक ध्यान रखना और क्रिकेट हमेशा खेलते रहना, और ठंड आ रखी है तो इसलिए ज़्यादा बाहर मत निकलो, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब ऐसा लगता है शिमला की जो ठंड है उससे ज़्यादा फेल कर चुका है। तो इसलिए ध्यान रखना और स्वेटर वगैरह पहन के निकलना भाई। बाय।